आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने जेनेट प्रेस थीम का होम पेज को एक अच्छा सा नया लुक कैसे देते हैं, यानी अपने होम पेज को कस्टमाइज कैसे करते हैं, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। तो दोस्त आप इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं रियल रंजन टेक चैनल। तो अगर आपने अभी तक इस रियल रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप रियल रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त मैं आपको डेमो दिखा दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसी के तरह मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इस तरह का डिजाइन को भी 5 से 10 मिनट के अंदर अपने वेबसाइट का होम पेज को कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्त आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए और उसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, अगर अभी आप शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्त मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन होस्टिंग और डोमेन आप कहाँ से बाय करेंगे। तो मैं दोस्त आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप hostinger.in से यहाँ से होस्टिंग बाय कर लीजिए। यहाँ से आप होस्टिंग बाय करते हैं तो साथ में आपको एक डोमेन नेम भी फ्री मिल जाता है और यहाँ पे मात्र आपको प्लान जो मिलता है 149 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको प्लान मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 100 वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है और डोमेन नेम भी फ्री मिल जाता है। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए, तो दोस्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो के नीचे जस्ट आप देखिएगा तो दोस्त आपको ये वाला लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 20% का एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। अभी आप दोस्त देखेंगे कि यहाँ पे 149 का ही प्लान दिख रहा है, लेकिन दोस्त आप जैसे ही इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल जो कूपन कोड है ऑटो अप्लाई हो जाता है। सिर्फ लिंक पे क्लिक करने से यहाँ पे 20% का एडिशनल कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे 149 दिखा रहा था और यहाँ पे 119 दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 20% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कूपन कोड होता है जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना होता है, यहाँ से आप कोई भी प्लान बाय कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आप 1 महीने के लिए प्लान बाय कीजिएगा तो इसके अंदर ना आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो मिनिमम आपको 12 महीने के लिए बाय करना है, मैक्सिमम आप 48 महीने के लिए यहाँ पे होस्टिंग आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद अपने होस्टिंग करके डैशबोर्ड से अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद चलते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में और यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं कि अपने वेबसाइट का जो होम पेज है उसको कैसे क्रिएट करते हैं। अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे थीम्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जेनरेट प्रेस सर्च करके आपको थीम को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जेनरेट प्रेस। अब यहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन मिलेगा, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना है जेनरेट प्रेस और यहाँ पे जेनरेट प्रेस जो थीम है यहाँ पे आ जाएगी और इसको इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्त आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जेनरेट ब्लॉक। अब जैसे ही जेनरेट ब्लॉक आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जेनरेट ब्लॉक से यहाँ पे आ जाएगा। अब इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। अब इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि अगर आप चाहे तो एक और प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम फीचर्स आपको मिलेगा। तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि थीम राजा की वेबसाइट पे आ जाना है, themeraja.com की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है जेनरेट प्रेस प्रीमियम। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे जेनरेट प्रेस प्रीमियम तो यहाँ पे आपको 149 के करीब में आपको मिल जाएगा जो जेनरेट प्रेस प्रीमियम आपको प्लगइन मिल जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो 3 या 2 प्लगइन और 1 थीम को इंस्टॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्तों अपने यहाँ पे पेजेस पे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे होम पेज को कस्टमाइज करने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि होम यहाँ पे नाम दे देता हूँ, होम 3 दे देता हूँ क्योंकि मैं होम 3 यहाँ पे पेज बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड बार में आना है और साइड बार में आपको आइएगा तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस लेआउट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नो साइड बार कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटेनर पे आना है, कंटेंट कंटेनर पे, और यहाँ पे फुल पेज पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स पे आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स पे आपको जो टाइटल है इसको डिसेबल कर देना है। तो ये टाइटल जो होगा ये डिसेबल हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप इस पेज को पब्लिश करके एक बार देख लेंगे कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पेज को यहाँ पे पब्लिश कर दिया और इस पेज को हम लोग एक बार विजिट कर लेते थे कि हम लोगों का जो पेज है किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो दोस्त आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हम लोगों का पेज जो शो हो रहा है, पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फुटर बार और यहाँ पे हेडर बार शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग का जो कोड है ना, वो कोड आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके इस कोड को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो कोड जो आप डाउनलोड करेंगे तो कोड आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, जिसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो आपको क्या करना है कि सारे कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है।
यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आगे सिंपल से इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप पेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डिजाइन यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ पोस्ट को पब्लिश कर देना है, 10-20 पोस्ट को आप पब्लिश कर देना है सिर्फ डेमो पर्पस, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से आपका यहाँ पर डिजाइनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप डिजाइनिंग को समझ पाएंगे और उसके अंदर जो भी चीजें एडिट करना है आप उसे एडिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे होम पेज को डिजाइनिंग करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरा वेबसाइट को सेटअप करके नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट होम पेज पे आया हूँ। ओके दोस्त, अब यहाँ पे आपको दोस्त मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है आपको, तो आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या तो दोस्त यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स ओवरव्यू का ऑप्शन आता है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चार कंटेनर दिया गया है। यहाँ पे चार कंटेनर के अंदर सारे यहाँ पे जो भी चीजें दिया गया है चार कंटेनर के अंदर है। तो दोस्त मान लीजिए कि अगर आपको पहले कंटेनर के अंदर चेंजेस करना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है क्वेरी लूप पे। तो क्वेरी लूप पे आएंगे ना, तो दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पहला वाला जो पोस्ट है ना, यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर एक ही पोस्ट है, तो यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको मान लीजिए कैटेगरी को चूज करना है कि किस कैटेगरी का आप यहाँ पे पोस्ट शो कराना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि सारे कैटेगरी का पोस्ट शो कराना चाहते हैं, तो आप ऐसे पोस्ट पे क्लिक कर, आप सिर्फ पोस्ट पे रहने दीजिएगा, तो यहाँ पे जो भी पोस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पोस्ट आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का पोस्ट शो करना, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे टेक्स्ट मोनिश सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपको दोस्त इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जिस भी कैटेगरी का पोस्ट शो कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी आपकी वेबसाइट में कैटेगरी बनना होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो भी कैटेगरी का पोस्ट शो कराना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे दो चार कैटेगरी जितना कैटेगरी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं एक तरह से। अब उसके बाद दोस्तों आपको एक और क्वेरी लूप मिलेगा, यहाँ पे आना है इस कंटेनर पे और यहाँ पे एक और क्वेरी लूप मिलेगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो साइड में जो पोस्ट शो हो रहा है ना, अभी इसका आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे पांच पोस्ट शो हो रहा है, अगर आप यहाँ पे चार पोस्ट शो कराना चाहें तो आप यहाँ पे चार कर दीजिए, अब यहाँ पे चार ही पोस्ट शो होगा। अब इसके अंदर कोई चेंजेस करना है, फंड की चेंजेस करना है या जो भी चेंजेस करना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रिड आएगा, तो ग्रिड के अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट्स मिलेगा और इसके अंदर फिर से एक ग्रिड मिलेगा और इसके अंदर कंटेनर मिलेगा और कंटेनर के अंदर ये जो पोस्ट टाइटल जो है ना यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब इसका मान लीजिए फंड आपको चेंज करना है, तो फंड पे आइएगा, आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, अब यहाँ पे आपको फंड चेंज करने का मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पॉपिंस फंड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो भी फंड लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जो भी चीजें आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, हर चीज को आप एडिट करके आप देख लेना है। ओके दोस्त, अब यहाँ पे दूसरा कंटेनर आता है, दूसरे कंटेनर के अंदर ये वाला चीज आता है। अब यहाँ पे मैंने न्यूज ब्लॉग पोस्ट दिया है, आप यहाँ पे एक कैटेगरी का नाम, जिस भी कैटेगरी का पोस्ट यहाँ पे शो कराना चाहते हैं उस कैटेगरी का आप यहाँ पे नाम दे देना, और नाम देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेरी लूप पे आ जाना है और यहाँ पे आप सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं 6 पोस्ट इस बॉक्स के अंदर मैं शो करा रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे 9 पोस्ट शो कराना चाहते हैं या 12 कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर देना, आप यहाँ पे नंबर यहाँ पे जितना शो कराना चाहते हैं नंबर डाल देना आप, और यहाँ पे ऐड पैरामीटर्स पे क्लिक करना हो, जिस भी कैटेगरी का पोस्ट शो कराना चाहते हैं पहले टेक्स्ट मॉडिफायर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो भी कैटेगरी का पोस्ट शो कराना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उस कैटेगरी का पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसे ही दोस्त आपको करना है जो भी जिस भी कंटेनर के अंदर एडिट करना है आपको। अब सेम ऐसे ही दोस्त यहाँ पे मैंने ट्रेंडिंग ब्लॉग पोस्ट दिया, तो आप यहाँ पे ट्रेंडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और कंटेनर है जिसके अंदर मैं लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट दिया हूँ, तो आप यहाँ पे जो भी पोस्ट शो कराना चाहते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से अपने होम पेज का पूरा डिजाइन कर पाएंगे, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। यहाँ पे आप चेंजेस करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस पेज को अपडेट कर देना है, और अपडेट करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने जो पेज को एडिट किया था यहाँ पे इस पेज के अंदर अभी कुछ भी नहीं था, अब इस पेज को हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए Home3 के नाम से जो हमने पेज बनाया था, अब जो चीजें हमने चेंजेस किया है, चार को सिलेक्ट किया था मैंने पोस्ट को, तो यहाँ पे 4 शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने 5 का फॉर्मेट बनाया था, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे एक नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने 4 ही वहाँ पे शो कराया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो भी चीजें हमने चेंज किया है सारे चीज यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्त आप इस तरह से अपने होम पेज को बहुत ही आसानी से डिजाइन कर पाएंगे, और जो एक कोड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से आप इस कोड को आप ले पाएंगे। और दोस्त मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं मेरे से किसी भी तरह का वेबसाइट बनवाना, तो दोस्त इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि themeraja.com की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आपको जिस भी तरह की वेबसाइट बनवाना हो दोस्त, आप यहाँ से ऑर्डर करके आप हमसे इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं। और दोस्त आपको किसी भी तरह का थीम और प्लगइन की जरूरत पड़े तो दोस्त आप यहाँ से themeraja.com से आप यहाँ से बाय कर सकते, जो कि आपको यहाँ पे 99 रुपये में या 149 रुपये में थीम और प्लगइन मिल जाता है, जो कि जीपीए लाइसेंस में होता है और प्री एक्टिवेटेड होता है। तो यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ से जो भी आप थीम और प्लगइन बाय करेंगे तो उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्त अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो दोस्त आप इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा कि यहाँ पे मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी ऐसी चीज देता रहता हूँ जिससे कि आपको कुछ फायदा हो सकते हैं। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।